CAA, NRC, NPR के वजह से सारे देश में जिस तरीके से जो है एक आग लगी हुई है, एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, और इतने अलग अलग स्टेटमेंट्स प्राइम मिनिस्टर साहब से और होम मिनिस्टर साहब से आ रहे हैं, इन चीज़ों को जो है वाजे होने की ज़रूरत है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पे दबाव डालने के लिए। और जो पुरसकून माहौल से पिछले 1000 साल से भी ज़्यादा यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर रह रहे हैं, उसी को जो है बरकरार रखने के लिए पीसफुल वे में रिले हंगर स्ट्राइक यहाँ पर किया जा रहा है। ऑन रिलीजियस लाइंस कोई किस्म का भी डिस्क्रिमिनेशन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। रिलीजियस लाइंस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन जो है गलत है, वो कोई ऐसे लॉ को जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करेंगे जिसमें रिलीजियस लाइंस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो, लोगों को जो है तकलीफ़ हो, चाहे वो पिछले तबके के SC ST BC माइनॉरिटीज़ हों या गरीब तबके के लोग हों, जिनको भी जो है अगर तकलीफ़ हो रही है तो हमारी गवर्नमेंट उस किस्म की कोई भी चीज़ को जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। कई लोग सोशल मीडिया में हमको ये पूछ रहे हैं कि आप लोग NPR का जो है अगस्त में NPR का जो है गेजिट दिए हैं, आप लोग देख लीजिए NPR के जो है गेजिट है वो हर 10 साल को एक वक्त रेगुलर प्रोसेस में होता, और वो अगस्त के महीने में दिया गया जब CAA नहीं था। और एक जो है एक फेक न्यूज़ चल रही, एक पाम्पलेट पे जो है जगन मोहन रेड्डी साहब की फ़ोटो और चेवी रेड्डी भास्कर रेड्डी साहब जो MLA हैं हमारे चंद्रगिरी। CAA और NRC के वो कानून लाने से BJP सरकार ने सोते हुए हाथी को जगा दिया, भारत की जनता अब जगा लिया और जो मजहबी के जो भी डिफरेंसेस है इसको भारत छोड़ दिया। अब भारत के संविधान को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत की सारी युवजन, नौजवान, विद्यार्थी, औरतें सभी लोग स्ट्रीट्स में हैं, जंग करने के लिए तैयार है। ये तो जारी रहेगा, ये आखिरी जंग है संविधान के लिए, अब रोक नहीं पाएगा। BJP का लास्ट गेम है ये, वो हारने के लिए कगार पे खड़े हुए हैं। भारत की जनता अब जग गए हैं, हम भी जनता छोड़े नहीं, और इनके लिए मामूली ज़िंदगी जो नॉर्मल लाइफ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी संविधान को रक्षा करना सबसे बड़ा प्रायोरिटी हो गया भारत का। सभी लोग जाएंगे और भी शामिल हो जाएंगे, भारत में ये जुलूस जलता रहेगा जब तक BJP ये सबको वापस नहीं लेते हैं और अपनी फासिस्ट एजेंडा को ख़त्म नहीं करते, तब तक ये लोगों की ये लड़ाई ख़त्म नहीं होगी।